हमारे सनातन संस्कृति में हमारे धर्म का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है और कई लोग इसको बहुत संकुचित व्यवस्था में देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्म का मतलब केवल कर्मकांड से होता है, वो तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमारी सनातन संस्कृति ने धर्म को आचरण के साथ जोड़ा है और आचरण की शुद्धता के लिए धर्म के मार्ग पर चलना ये हमने हमेशा महत्वपूर्ण माना है। आचार्य जी, पिछले समय में कुछ वर्ष पहले एक कार्यक्रम में गया और पूज्य संतगण के सामने मैंने ये कहा कि भारत में हमेशा राजसत्ता पर धर्मसत्ता का अंकुश रहा है। तो 2 दिन तक मीडिया पर यह चलता रहा कि देखिए राजसत्ता से बड़ी धर्मसत्ता कही जा रही है। तो मेरे ध्यान में आया कि जिनको हमारी परंपरा ही पता नहीं है, जिन्हें हमारी सनातन संस्कृति पता नहीं है, वे लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते। इसका कारण धर्मसत्ता का कभी यह मतलब नहीं रहा है कि राजा को किसी के आदेश का पालन करना था, लेकिन धर्माधिष्ठित आचरण के लिए जो नियम बने थे उन नियमों पर जो राजा चलता था वो महान बनता था और जो नहीं चलता था वो नीचे आता था। यह धर्मसत्ता का महत्व हमने उस जमाने में देखा। आज शायद हम हमारे संविधान को उसी रूप में देख सकते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो आश्रम की हमारी व्यवस्था है ये इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम तो अपने जीवन में एक आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन करते हुए शायद अपनी शुद्धता को खो देते हैं, विचारों की शुद्धता को खो देते हैं। ऐसे समय हमारे आश्रम परंपरा, हमारे गुरु एक ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यवस्था हमारी विचारों की शुद्धता को वापस लाने का काम करते हैं, जिनके सानिध्य में जाने के बाद हमारे विचारों की शुद्धता को हम वापस ला सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो व्यवस्था हमारे देश में खड़ी हुई और हमारी सनातन संस्कृति ने खड़ी हुई, इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है।